वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में देखेंगे जो भी छात्र एमजेपी आरयू रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से है, एमजेपी आरयू रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से है, उसके लिए हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए जूलॉजी का पेपर लेके आए। तो जूलॉजी का जो पेपर होने वाला है आपका, ठीक है, तो आपका पेपर 21 अप्रैल को होने वाला है, जूलॉजी वाला पेपर। याद रखना, जो मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं यही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं देखना, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस वीडियो में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मैं आपको इंपोर्टेंट दूंगा जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, मतलब कि पेपर में वही आ रहे हैं। ओके, तो यही क्वेश्चन आपको पढ़ना है। एमजेपी आरयू रोहिलखंड यूनिवर्सिटी वाली बरेली वाले जितने भी स्टूडेंट है, ध्यान से सुन लो, अपने बुक नोट्स गैस पेपर जिससे आप पढ़ाई कर रहे हैं उससे कर सकते हैं, या फिर हमारे नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां लिखा होगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर नोट्स और एमसीक्यू क्वेश्चन लिंक, इस तरीके से डाउनलोड लिंक लिखा होगा। आप उस पर लिंक पर टच करेंगे तो हमारी एक वेबसाइट पे पहुंचेंगे, paperhacker.in पर, paperhacker.in पर ऊपर नीचे करके आप सब देख लेना, सारे नोट्स के लिंक वहां दिए रखेंगे। आप नोट्स पर लिंक पर टच करेंगे तो आप हमारी एक दूसरी साइड पर पहुंच जाएंगे। अब दूसरी साइड पर आपको वहां बाय करना पड़ेगा और आराम से आप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की जो पूरी पीडीएफ है वो आराम से डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि हमने वो क्वेश्चन दिया जो आपके पेपर में आ रहा है, बाकी फालतू हम कुछ नहीं देते। आपको वही पढ़ना चाहिए जो पेपर में आ रहा है। अब क्योंकि टाइम कम है तो आप फालतू तो नहीं पढ़ोगे ना, तो वो पढ़ो जो पेपर में छप रहा है। अब देखो क्या क्या आपको पढ़ना है, ध्यान से देख लेना, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि 85% प्लस यहां से देखने को मिलेगा, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। जो जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊं वही क्वेश्चन आपको तैयार करना है। तो देखो, पहले तो आप टिक लगा लो अपने बुक नोट्स गेस्ट पेपर में, आपके पास है तो लगा लीजिए, यदि आप हमारे नोट से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे नोट्स को भी डाउनलोड कर पाएंगे। अब क्या करेंगे आप पढ़ेंगे, देखो पहला क्वेश्चन पर टिक लगा लीजिए। पहला क्वेश्चन हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली तो आप जानते होंगे, जैसे हम प्लाज्मा मेंबर बोलते हैं, अब प्लाज्मा मेंबर की कला, मतलब प्लाज्मा झिल्ली को कला भी बोला जाता है, ठीक है, उसकी परासंरचना के बारे में देखना है। परासंरचना को इंग्लिश में अल्ट्रा स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है, आपको ये देखना है। और इस झिल्ली का जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसका कार्य क्या होता है, ये हमें बस देखना होता है। यहां से समझ रहे हो मेरी बात को, ध्यान से समझ लेना, ये क्वेश्चन बनेंगे आपको। अब प्लाज्मा झिल्ली के कार्य के बारे में तो आप जानते होंगे, जैसे कि आपसे पूछेगा कि आयनों के आंतरिक वितरण का नियंत्रण करता है ये लोग, ठीक है, और साथ ही साथ पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया करता है, ये प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, और साथ ही साथ आपसे कहेगा कि आसपास की कोशिकाओं से संपर्क, ठीक है, से उनको बचाता है, सुरक्षा प्रदान करता है, और साथ ही साथ और क्या करता है, उत्सर्जन भी करता है। उत्सर्जन किस प्रकार से करेगा, जैसे कि ये विसरण क्या होता है, नाइट्रस जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उससे त्यागता है, ठीक है, कौन कौन से पदार्थों को, नाइट्रस जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको त्याग देता है, ये प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य होता है, जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रहा हूं ताकि आपको जो भी आ जाए मतलब बना बना के करे आओ, यदि आप याद भी आ जाए मेरी बातों को तो आप बना बना कर सको, ठीक है। अब उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन आता है इसको आप ध्यान से पढ़ लेना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। आपसे पूछेगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की परासंरचना, उसके कार्य के बारे में, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, उसके फंक्शन के बारे में आपसे पूछ लेता है, उनके बारे में, किसके फंक्शन के बारे में पूछता है। अब जब भी कोशिका ऐसी बात आती है कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के बारे में, तो आप क्या करेंगे, अभी आप ध्यान रखना, परासंरचना तो आप इसकी बनाएंगे ही बनाएंगे, इसकी बेसिकल्स माने इसकी जो बेसिकल्स होता है जो लगभग वृत्ताकार होता है, गोल होता है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कैसा होता है, गोल होता है, आपको पता है। अब इसको जो बेसिकल कह सकते हैं, बेसिकल्स होते हैं, जो बेसिकल्स मतलब कि इसको कितना है, ये जो बेसिकल्स लगभग होते हैं 25 से 500 μm तक होते हैं, ठीक है, इतना रखना है आपको याद, ठीक है। और ये कैसी होती है संरचना बेसिकल्स की, तो आप कहोगे ये होती है वृत्ताकार गोल होती है, गोलाकार की होती है। अब इसके कार्य की यदि बात की जाए तो कार्य कैसा होता है, ठीक है, अब देखो इसमें केंद्र भी पाया जाता है, आपको पता है, ठीक है, केंद्र भी पाया जाता है, कोशिका द्रव एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी पाया जाता है, ये चीजें होती है इसमें पॉइंट डालने के लिए। अब एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के संबंध में कुछ एंजाइम भी निकलते हैं, अब इससे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से कुछ एंजाइम निकलते हैं, तो एंजाइम कौन कौन से निकलेंगे, तो एंजाइम को कुछ कार्य होते हैं अलग अलग, ठीक है, एंजाइमों के नाम आपको पता होना चाहिए, तो एंजाइमों के नाम मतलब मैं 3 से 4 एंजाइम बता देना ज्यादा, जैसे कि साइटोक्रोम निकलता है बी, ठीक है, और NADH भी निकलता है यहाँ से, न्यूक्लियर, ठीक है, डिफाइन वेलेबिलिटी भी निकलता है, काफी 4-5 हार्मोन्स के आपको बारे में बताना है, कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई यदि कार्य की बात करूं तो आप कार्य कैसे करेंगे, आप सामान्य कार्य कैसे बता सकते हैं इसके, तो सामान्य कार्य इसका होता है यांत्रिक, कह सकते हैं यांत्रिक अवलंबन करना और पदार्थों का आदान प्रदान करना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य होता है, साथ ही साथ प्रोटीन संश्लेषण करना, ठीक है, कोश का अपचयन करना, ग्लाइकोजन उपापचयन करना, अन्य कोश की झिल्ली का निर्माण करना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा।
आप क्या करेगा, मेरे हिसाब से आप अपने बुक नोट्स के, मेरे नोट्स को आप डाउनलोड कर लो, बहुत आराम से आप याद कर पाओगे। आप खुद कहोगे कि सर बहुत गजब नोट्स है आपका, सच में। आप 21 तारीख को आपका पेपर होने वाला है, 21 अप्रैल को, तो आप समझ सकते हो कि पेपर में वही आएगा जो मैं बता रहा हूँ, समझ रहे ना। इससे बाहर कुछ मत पढ़ना। ये क्वेश्चन आपको पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन आप ये देखेंगे गल्जी कम्प्लेक्स क्या होता है, उसके कार गल्जी कम्प्लेक्स के बारे में। अब देखो, जब गल्जी कम्प्लेक्स आता है तो आप उसमें, गल्जी कम्प्लेक्स, एक गल्जी नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, मतलब कह सकते हैं खोज की थी सर, प्रथम उसने देखा था। अब कब देखा था, तो 1898 में गल्जी द्वारा देखा गया था गल्जी कम्प्लेक्स को। उन्होंने फिर एक संरचना दी। अब संरचना में उन्हें कई चीज, जैसे कि ये कैसा होता है, वृत्त के आकार का होता है, लगभग कितना लंबा होता है, तो आपको 50 एंगस्ट्रोम लंबी होती है ये चीज, ठीक है, हार्ड एंड वेव्स के से जुड़ी रहती है, तो ये पूरा प्रोसेस वहां बताएंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे, शीर्ष के बारे में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि गल्जी कम्प्लेक्स का शीर्ष कैसा होता है। अब गल्जी कम्प्लेक्स के कार्यों के बारे में देखेंगे, जैसे कि यहाँ देखो, कार्य की यदि बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिका के कह सकते हैं कि पावर हाउस भी कहा जाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को। अब मतलब आपको ये बताया, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के पावर हाउस कहते हैं। अब चूंकि इसको कोशिका श्वसन के क्या होता है, एंजाइम विद्यमान रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कोशिका के अंदर क्या होगा कि जो एंजाइम होंगे वो विद्यमान रहेंगे, मतलब पहले से उसमें एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, समझ रहे ना मेरी बात को। उसके बाद में आप क्या करेंगे, देखो ये क्वेश्चन आप उसके कार्यों के बारे में पूरा डिस्कस कर लेंगे अच्छी तरीके से, पावर हाउस के बारे में, फंक्शन वगैरह, एटीपी का निर्माण कैसे होता है, सब इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद में आप यहां देखेंगे कि प्रोटीन, ये छोड़ दीजिए, भाग अंतर सब छोड़ दीजिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ भाई आपको बोला। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं ऊपर बता चुका हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य फंक्शन के बारे में, ये पूरा क्वेश्चन मैं ऊपर दे चुका हूँ, देखिए ये मैंने, ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पूरा क्वेश्चन यही दे रखा है, ऊपर वाला देख लीजिए, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही है, क्योंकि इसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अंता परिदीप कह सकते हैं, परिद्रव्य जलिका के नाम से भी जानते हैं, और इसके कार्य के बारे में पूछा है, तो कार्य मैंने ऊपर लिखा दिया, तो आपको यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऊपर पढ़िए, बस इतना कर लेते हैं, यहाँ से 100% क्लियर क्वेश्चन बनेंगे। और वही बात करें, आप यूनिट नंबर 2 में क्या क्या पढ़ेंगे, ध्यान रखना मेरी बात को, ज्यादा मत पढ़ो कुछ, वो पढ़ो जो पेपर में आ रहा है। अब देखो ध्यान से रखना, अब माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, उसके कार्य के बारे में हमसे पूछ रखा है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया के, ये क्वेश्चन आपको याद करना है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, उसकी संरचना कैसी होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की जब संरचना की बात करेंगे हम लोग दूसरे यूनिट में, याद रखना, तो दूसरी यूनिट में आपको जो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका, जो कह सकते हैं कोशिका श्वसन के बारे में, तो आप देख लेंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया की जब बात करने वाले, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हम कैसे डिस्कस करेंगे, देखो अब माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कैसी दिखाई देती है, आपसे ये पूछेगा, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया जब संरचना दिखाई देगा, तो उससे आपसे ये पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की आप स्ट्रक्चर बताओ, मतलब आपसे पूछेगा कि संरचना, संरचना के बाद में आप उसको कार्य बताओ, ओके। अब आपको समझ में आ गया होगा, चलो अब हमें क्या करना है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में देख लेना है, उसकी अल्टा स्ट्रक्चर के बारे में, ओके, उसके बारे में, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, ये सब कुछ हम यहाँ लिखेंगे। पूरा प्रोसेस बताना है कि उसकी चौड़ाई जो होती है वो इतनी बड़ी चौड़ी होती है, 0.2 एंगस्ट्रॉम चौड़ी होती है, ठीक है, इतनी 2.5 एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं लंबी होती है, वो सब आप यहाँ प्रोसेस लिखेंगे, ओके। उसके बाद में पूरा उसके बारे में बताएंगे, उसके कार्य के बारे में बताएंगे, और उसकी संरचना के बारे में बताएंगे, तो ये पूरा प्रोसेस आपको देखना पड़ेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य का, मतलब के बारे में। उसके बाद में आपको क्या होता है, आपको यहां बात की जाए, ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया, चलो उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिका श्वसन के बारे में आप देख लेंगे। जब माइटोकॉन्ड्रिया यहां पढ़ेंगे, तो उसकी संरचना पढ़ेंगे, तो श्वसन कैसे किया जाता है, बाबर कौन सी हाउस मिलते हैं, वो सारा आप यहां देख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है कह सकते हैं माइक्रोट्यूब, इसको छोड़ दीजिए, और इंटरमीडिएट फिलामेंट को, इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट को आप देख लेना एक बार, ठीक है। इसको आप एक क्वेश्चन को इसको देख के जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, इस क्वेश्चन को एक बार रट के जाएंगे आप सभी लोग, मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, आपको काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। देखो यार, वो पढ़ो जो आपके पेपर में आ रहा है, फालतू कुछ मत पढ़ो, मैं जो आपको बता रहा हूं वही पढ़ के जाना है, ओके। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अब उसके बाद में आपको देखना है, इस क्वेश्चन को आप यहां टिक लगा लेंगे। उसके बाद में आता है केंद्रक, तीसरे यूनिट में आप याद करेंगे कि जो केंद्रक की संरचना होती है, ठीक है, और उसका संयोजन किस तरीके से होता है, और उसके कार्य के बारे में, तो मतलब केंद्रक के कार्य क्या होते हैं, हम ये देखेंगे केंद्रक के कार्य क्या होते हैं, केंद्रक के कार्यों के बारे में याद कर लेंगे। अब देखो, जब हम केंद्रक की जब बात करते हैं, न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सच में ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा केंद्रक वाला, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाएगा, ठीक है। अब केंद्रक की आकार कृति के बारे में, ठीक है, आप ये देखेंगे, पॉइंट डालेंगे इसमें, जो केंद्रक होता है उसकी दो अवस्थाएं होती हैं बेटा, केंद्रक की दो अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, तो आप कहोगे एक होती है आकृति, आकार और आकृति की, और दूसरी जो कह सकते हैं एक इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक अंतरावस्था होती है, मतलब अंदर वाली, एक विभाजन अवस्था, दो अवस्थाएं हो सकती हैं और होती हैं, मतलब कह सकते हैं, तो केंद्रक की दो अवस्थाएं होती हैं, एक तो होती है हमारी
अंतरावस्था मतलब अंदर वाली अवस्था, एक होती है विभाजन अवस्था। दो अवस्थाओं के बारे में आपको एक्सप्लेन करना होता है बेहतर तरीके से, और केंद्रक के कार्य के बारे में आपको बताना होता है। ठीक है, ये बस इतना करेंगे, अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन करके आएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको रट के जाइएगा। दूसरा आपसे पूछा जाता है, देखिए आपको गुणसूत्र की संरचना के बारे में याद कर लेंगे, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, तो क्रोमोसोम्स के बारे में आप सभी को पता होगा, गुणसूत्र क्या होता है, कैसे कार्य करते हैं, तो गुणसूत्र के बारे में आपको पता ही है। ठीक है, तो उसमें आपको सब कुछ बताना पड़ेगा कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी। ठीक है, तो और उसकी संरचना के बारे में, ठीक है, उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, गुणसूत्र को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको पता ही होगा कि लगभग में 4 से 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं गुणसूत्र को। ठीक है, और आप उन सब के बारे में आप याद करेंगे। ओके, और गुणसूत्र के संरचना मतलब पूरा संरचना जो बनाएंगे स्ट्रक्चर बराबर पूरा बना के आएंगे। ओके, उसके बाद में उसका संगठन क्या है, मतलब किस किस चीज़ें, जैसे न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, नॉन बेसिक प्रोटीन होते हैं उसके अंदर, हॉस्टेनिक प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये इन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो उसके बारे में आपसे डिस्कस किया जाता है, ये क्वेश्चन आप देखेंगे। उसके बाद में एक आता है एक डीएनए, डीएनए तो आप जानते ही होंगे, डीएनए का एक तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है कि वाटसन और क्रिक के डीएनए मॉडल के बारे में बताइए। ठीक है, और आपसे पूछेगा डीएनए का संगठन, मतलब डीएनए जो इस तरीके से आपका बना होता है, इस तरीके से ये डीएनए की संरचना होती है, उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए पूछता है। ठीक है, तो और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला इस डीएनए के अंतर्गत ही आती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो होती है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है वो होता है वाटसन और क्रिक के जो प्रतिपादन का डीएनए संरचना, डीएनए मॉडल के बारे में। ठीक है, वाटसन क्रिक ने कैसे इसको डीएनए मॉडल दिया था, उन्होंने इस क्रम में क्या बोला था, और वाटसन क्रिक ने ये दिया था तो 1962 में दिया था, बेटा याद रखना 1962 में दिया था, उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था डीएनए वाटसन। ठीक है, और इसको आपको एक्सप्लेन करना है अच्छी तरीके से। ठीक है, दोनों श्रृंखलाओं को आपको अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में एक ये याद कर लेना कि डीएनए आरएनए में अंतर क्या होता है, डीएनए आरएनए में जब अंतर पढ़ेंगे तो वहां आरएनए के जब भाग की बात करते हैं तो ट्रांसफर आरएनए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और हिस्टोन क्या होता है, हिस्टोन के कार्य क्या होते हैं, आप याद कर लेना, हिस्टोन हो सके तो हिस्टोन याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में आता है कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, एक समसूत्री विभाजन, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों को आप अच्छी तरीके से याद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में अंतर आपसे पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद में केंद्रक विभाजन की बात करेंगे, तो केंद्रक विभाजन हो सके तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में दो संकर क्रॉस के बारे में टिक लगाएंगे, दो संकर क्रॉस क्या होता है, दो संकर क्रॉस के बारे में आप जानते हैं, बताइए दो संकर क्रॉस के बारे में आप जानते हैं, नहीं जानते। ठीक है, तो आप उसके बारे में आप देख लेना, दो संकर क्रॉस किस तरीके से होता है, मेंडल के प्रयोग के बारे में, मेंडल ने उस दो संकर क्रॉस पर किस प्रकार से अपने एक्सप्लेनेशन किया था, और मतलब उसमें पूरा आप देखेंगे, और साथ ही साथ उनके स्पष्टीकरण, मेंडल के जो स्पष्टीकरण भाई उसी अंदर आ जाता है द्विकरण संकर के अंदर, ना स्पष्टीकरण करने के लिए कि मान लीजिए जो दो पौधे हैं इसमें ऐसे से किया तो क्या क्या अनुपात में उसके पौधों के नई जातियां उत्पन्न होती है, वो चीजें। मेंडल के अनुवंशकता के नियम को पढ़ लेना, अनुवंशकता के 3 नियम थे मेंडल के, आपको सभी को बताऊंगा उसके बारे में। लिंग निर्धारण किस तरीके से होता है हम जानते हैं, लिंग का निर्धारण पौधों के अंदर किस प्रकार से होता है, तो वो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि लिंग का निर्धारण एक बहुत सारी विधि द्वारा होता है, एक होता है गुणसूत्र विधि द्वारा, एक होता है नर अनुवंशक द्वारा, एक होता है मात्रात्मक अनुपात सिद्धांत द्वारा, एक होता है निजी संतुलन सिद्धांत द्वारा, इस प्रकार से होते हैं, और एक होता है एक ही नर प्रभाव द्वारा, जैसे कहते हैं एक जीन प्रभाव द्वारा और कोश की द्रव लिंग निर्धारण द्वारा। ये 6-7 टाइप के होते हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना होगा आपको, और आपको देखिए उसके बाद में आता है एक जीन इफेक्ट, मतलब सिंगल जीन इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए, और मेंडल के अनुवक्ता उसको नियम को तो आप पढ़ ही लेंगे। उसके बाद में मेंडलीज की उत्पत्ति कैसे हुई थी आप ये देखेंगे, और जीन अन्योन्य क्रियाओं के बारे में, उनके लक्षण की विशेषताओं के बारे में पढ़ के जाएंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मेंडलीज की उत्पत्ति के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है मेंडलीज की उत्पत्ति के बारे में, क्योंकि उसमें आपको बोलेगा कि ये दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, अन्योन्य क्रियाएं जो होती हैं वो दो टाइप की क्रियाएं होती हैं, एक होता है विकल्पीय जीन अन्योन्य क्रियाएं, और दूसरी होती है अविकल्पीय जीन अन्योन्य क्रियाएं। इन दोनों क्रियाओं के बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेना है, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में आपको क्या क्वेश्चन बनता है देखिए, उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, जिसमें ए होता है, फिर बी होता है, फिर ए और बी होता है, फिर ओ होता है, ये 4 वर्ग होते हैं हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं। इन ब्लड ग्रुपों के बारे में आपसे पूछता है कि आप किस तरीके से इनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब जब इस ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ आरएच फैक्टर भी आपको देखने को मिलता है, इस ग्रुप के अंदर आरएच फैक्टर, तो रुधिर का आरएच फैक्टर के बारे में, ये दोनों आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, क्योंकि आरएच फैक्टर की बात करें तो वो भी 4 टाइप के होते हैं, तो वो आपको प्लस माइनस में के अंतर्गत रखा जाता है, तो उनके बारे में आप देखेंगे। ठीक है,
और उसके बारे में एक क्वेश्चन आता है यहाँ, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जेनेटिक इन्फेक्शन के लिए छोड़ दीजिएगा ये क्वेश्चन। गुणसूत्री व्युत्पन्न के प्रकार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुणसूत्री व्युत्पन्न क्या होते हैं उनके प्रकार के बारे में याद करिए, और लिंग सहलग लक्षण उनके वंशागति के बारे में। अब देखो लिंग सहलग लक्षण जो होते हैं और वंशागति रोग जो होते हैं, लिंग गुणसूत्र संबंधी विकार होते हैं, रोग हो जाते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो जाता है, बर्धाता होता है, हेमोफीलिया जो रोग हो जाता है, ये क्या होते हैं अनुवंशिक रोग होते हैं बेटा, ठीक है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नियंत्रण चलते रहते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है, मेरी बात को ध्यान रखना। ऑटोसोमल और लिंग गुणसूत्र संबंधी विकारों के बारे में आप देख लेंगे, ठीक है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, तो डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र विकार में एक रोग होता है, ठीक है, टर्म सिंड्रोम होता है, ये बहुत सारे हैं, बर्धानता, हेमोफीलिया जो रोग हो जाते हैं, जो हमारे क्या होते हैं अनुवंशिक रोग होते हैं, उसके बारे में याद कर लेना। आठवीं यूनिट में हम देखेंगे, आठवीं यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, आठवीं यूनिट में हम लोग जाएंगे तो उसमें हमें पढ़ना पड़ेगा जो एनिमल वायरस होता है। देखो मैं आपको दिखाऊंगा, एनिमल वायरस होता है, प्लांट वायरस होता है, बैक्टीरिया फेज वगैरह, उनके बारे में आपसे पूछता है। जैसे मैं आपको यहां बता देता हूं, जैसे पीपीएलओ वायरस जो होता है, माइक्रोप्लाज्मा, अभी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, उसके बाद में इसको आप पढ़ेंगे, और बैक्टीरियल भित्ति के बारे में, देह भित्ति के बारे में आप याद करके जाएंगे। ग्राम अभिरंजक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एक होता है पॉजिटिव बैक्टीरिया, दोनों बैक्टीरिया को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। और मैंने कहा ना, प्लांट देखो एनिमल और प्लांट वायरस, इनको अच्छी तरीके से, और टीएमबी वायरस, इनको अच्छी तरीके से आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पेपर में बनता है, इसको आप ध्यान से पढ़ के जाइए। टीएमबी वायरस के बारे में, उनका क्या होता है, टीएमबी वायरस का अल्टर स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, वो डी हेलवेल्स के नाम से भी जाना जाता है, जो उन्होंने 1915 में इसको बनाया था, लगाया, मतलब कह सकते हैं लगाया था, तो वो चीज़ हम देखे जाएंगे। और प्लेट होती है इसके नीचे लगी हुई, तो उसके बारे में पूरा आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, हेड होता है इसमें, टेल होता है इसकी, कुछ भी होती है, तो वो चीज़ आपको देखना है, पूरा भागों में डिवाइड करके अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। और आपको देखो ट्रिपनोसोमा की संरचना और उसके लाइफ साइकिल के बारे में देख लेना, बाकी कुछ और एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मलेरिया रोग हो सके तो मलेरिया रोग के बारे में देख लेना, मतलब ये क्वेश्चन थे 2022 में आने वाले क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चनों को याद करके आप 85% प्लस लाएंगे। आप क्वेश्चन अपने बुक नोट्स गेस्ट पेपर पर टिक लगा लीजिए, आपको बस वही रटना है, बाकी कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमजेपीआरयू रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के लिए, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा इन क्वेश्चनों को जो मैंने बॉक्स में बंद किया है, दोबारा से इस वीडियो को एक्सप्लेन करके आप देख लीजिएगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि इनके अलावा कुछ और नहीं करना है। जीन बैलेंस थ्योरी के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेना है, बाकी यहां कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही क्वेश्चन आपके पेपर हैकर यूट्यूब चैनल द्वारा हमको बताए जा रहे हैं, आप इन क्वेश्चन को पढ़ के जाइए और 85% प्लस पाइए, मतलब 85% मतलब टॉप करने वाले हो, 2022 के एग्जाम है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।